भोपाल सीट से दिग्विजय सिंह की जीत को लेकर संत का बड़ा दावा। दिग्विजय सिंह के हारने पर समाधि क्यों लेंगे वैराग्यनंद गिरी महाराज। मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट पर चुनावी मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। इस सीट से जहां कांग्रेस ने सूबे के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने मालेगांव बम धमाका मामले की आरोपी रही साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिया है। चुनावी तारीख करीब आने के साथ ही मुकाबले में उतरे प्रत्याशियों को लेकर नए नए दावे किए जा रहे हैं। इस सब के बीच वैराग्यनंद गिरी महाराज ने भी एक बड़ा दावा किया है। दरअसल पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा महामंडलेश्वर वैराग्यनंद गिरी महाराज ने भोपाल सीट से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की जीत का दावा किया है। इतने नहीं, इस सीट पर दिग्विजय सिंह की जीत हो इसके लिए वो 5 क्विंटल लाल मिर्ची का यज्ञ करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर दिग्गी राजा इस चुनाव में जीत दर्ज नहीं करते हैं तो वो उसी जगह जिंदा समाधि ले लेंगे जहां यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वैराग्यनंद गिरी महाराज ने कहा कि आज हमारे यहां सनातन धर्म को बांटा जा रहा है। धर्म के ऊपर कई लोग राजनीतियां करना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुत्व के ऊपर राजनीति नहीं होगी, सनातन धर्म के ऊपर राजनीति नहीं होगी। दिग्विजय सिंह के साथ भारत के संत है। दिग्विजय की जीत को लेकर वैराग्यनंद ने प्रण करते हुए कहा कि 5 मई को मां कामाख्या का प्रचंड 5 क्विंटल मिर्ची से यज्ञ होने जा रहा है, जिसमें पूरी लाल मिर्ची रहेगी और कोई धस नहीं आएगी। मैं दावा करता हूं कि इसकी वजह से दिग्विजय सिंह की जीत होगी, और यदि किसी कारणवश नहीं होती है तो मैं महामंडलेश्वर वहीं उसी जगह जिंदा समाधि लूंगा, ये मेरा प्रण है। उन्होंने कहा कि लाल कपड़े पहनने मात्र से कोई संत नहीं हो जाता। दिग्विजय के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के शिष्य हैं। उनके समर्थन में 20,000 साधु संत भोपाल लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने घर घर जाएंगे। अब वैराग्यनंद के दावों में कितना दम है ये तो वही जाने, लेकिन उनके इस ऐलान के बाद भोपाल सीट पर सियासत गर्मा गई है। वैसे भी भोपाल सीट बीजेपी का गढ़ रही है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दिग्विजय सिंह इस बार बीजेपी के इस किले में सेंध लगाने में कामयाब होते हैं या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।